नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। हमारे साथ मौजूद है इस समय आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव। उनसे बात करेंगे कि जो मोहन भागवत ने आरक्षण पे बयान दिया, उससे क्या कुछ इनका उस पर रिएक्शन है, क्योंकि ट्वीट करके भी इन्होंने उस पर बयान दिया है। तो सर, मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है आरक्षण के, उनको एक बार बैठ के फिर से विचार करना चाहिए इस पर। ये बात तो मैंने पहले ही कहा, हमारी पार्टी के नेता ने भी कहा कि आरएसएस मूल संगठन है, भाजपा तो मुखौटा है, और आरएसएस एक एक करके उन सभी कानूनों को लागू करना चाहती है जो बहुसंख्यक के खिलाफ है। हम बहुसंख्यक कोई जाति नहीं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में हैं, उनके एम्पावरमेंट की दिशा में हम प्रयासरत हैं। लेकिन मोहन भागवत जी का जो बयान है वो गरीब विरोधी है। आप आरक्षण पर समीक्षा की बात करते हैं तो इसलिए तो आदरणीय तेजस्वी जी ने लोकतंत्र और संविधान बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ का नारा दिया। तो आरक्षण पर बहस करने के लिए वो तो खुली चुनौती है, आए और बहस कर लें कि देश में जितनी जिसकी आबादी, हम तो कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, कौन लोग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, कौन लोग हैं जिनके एक कमरे नहीं हैं, कौन लोग हैं जो हायर एजुकेशन अब तक प्राप्त नहीं किए हैं, उनका एक एक जाति निकाल दीजिए देश में। सर्वे हुआ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब सर्वे को आप लागू करके और उनको दिखाइए और उनके हिसाब से देश का बजट का आकार तय हो, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के लोग हों, उनको मिलना चाहिए अवसर। सीपी ठाकुर ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है वो इसी तरह का है कि जिन लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो फिर से इस पर विचार करना चाहिए और उन लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। आरक्षण सिर्फ नौकरी पाने का सशक्त माध्यम नहीं है, आरक्षण जो है ना समाज में उसको एक मान्यता प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। जिन जमातों को, जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया, वो लोग छुआछूत के शिकार थे, वो कहीं न कहीं उनके सामने खटिया पर नहीं बैठते थे, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, उन लोगों को एक अवसर दिया गया। अभी कितने लोग हैं जो आरक्षण के श्रेणी में आने वाले लोगों के साथ बैठ करके मंदिर में पूजा करने वाले लोग हैं। व्यवसायिक तौर पे अगर, या फिर इकोनॉमी की बात करें, तो जब इकोनॉमिक तौर पे अगर स्ट्रेंथ वो हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो अब स्वाभाविक है कि लोग उनके साथ उसी तरह का सही से व्यवहार करेंगे। देखिए, इकोनॉमिकली जो साउंड है, बड़ा विचित्र सवाल आपने खड़ा कर दिया। इस देश की जो वर्तमान हुकूमत है ना, एक इकोनॉमिस्ट PhD वित्त मंत्रालय में नहीं है, एक भी नहीं। ये पहली घटना है देश में कि वित्त मंत्रालय में एक भी PhD इकोनॉमिस्ट का नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश को क्या होगा? आपको मालूम है कि देश के साथ, युवाओं के साथ, एम्प्लायरों के साथ क्या हो रहा है? 1,75,000 जो BSNL कर्मी हैं, उनको दबाव दिया जा रहा है रिटायरमेंट के लिए, इनको रिटायरमेंट के लिए सेवानिवृत्त जबरन उनको थोपा जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अंबानी के हवाले करने की साजिश चल रही है, उस दिशा में आगे कदम बढ़ गए हैं। अप्रत्यक्ष कर देश के अंदर में घट गए हैं, 3 लाख अरब डॉलर घटा है प्रत्यक्ष कर, 80 करोड़ जो डॉलर है वो प्रत्यक्ष कर घटा है। देश की आर्थिक स्थिति मंदी के कगार पर बैठा है। देश का जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर, उन्होंने भी स्वीकार किया, चौतरफा मंदी का हालात है, देश बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश के अंदर जो हालात पैदा किया है देश की सरकार ने, आने वाले कल के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। 2000 से ज़्यादा कंपनियां ये देश छोड़कर के बाहर जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। कभी चर्चा क्या गाय की होती, चर्चा मंदिर की होती, चर्चा पाकिस्तान की होती, चर्चा मुसलमान की होती, ये बड़ा सवाल है। और ट्रंप ने तो एक तरह से संकेत दे दिया कि कश्मीर मसला हिंदू और मुसलमान का है, यह मोदी सरकार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक खतरा का सवाल है। बस सर, 2 लाइनें बता दीजिए कि मोहन भागवत की इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे। मोहन भागवत जी का बयान उन गरीब 85% लोग जो महरूम हैं अधिकारों से, उनके खिलाफ है। हम उनके बयान की मुखालफत ही नहीं करते बल्कि उनको बहस की चुनौती देते हैं कि आएँ और गांधी मैदान में बैठ करके बहस कर लें आरक्षण के सवाल पर, 2-4 कर लें ना, किस नीति के तहत आप आरक्षण लागू करना चाहते हैं? आपने माना, हाँ बात आपने आपने तो स्वर्ण आरक्षण आपने बना, मानक तय कर दिया, आपने आपने तय कर दिया कि हम तो स्वर्ण आरक्षण के पक्षधर भी थे,
लेकिन हमारा क्या था, हमारा था जो गरीब हैं, जिनकी आय 5,000, 8,000, 10,000 है। आप तो 64,000 रुपये महीना कमाने वाले को आपने दे दिया आरक्षण, तो फिर वो गरीब का क्या होगा जिनकी वकालत हम करते रहे हैं? इस तरह के आरक्षण को अगर परिभाषित करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठेगी थोड़ी है। हम इन चीज़ों को लेकर के गांव और पगडंडियों में जाएंगे और ये बड़ा आंदोलन होगा देश के अंदर में। चुप बैठने वाले जो लोग चुप रहेंगे, नीतीश कुमार जी को ही विचार करना पड़ेगा, जो लोग चुप रहेंगे उनको जनता चुप कर देगी। अनंत सिंह, सारे जो प्रकरण चल रहे हैं अनंत सिंह के साथ, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपराध और अपराधी दोनों के खिलाफ है। राज के न अपराध न अपराधी दोनों हमारे लिए खतरा है। पर जो लोग कल आँख के सुरमा हुआ करते थे, आज उनके आँख की किरकिरी हो गए। ये कौन सा मापदंड? जब मेरे साथ हैं तो आप संत हैं, और हट गए तो आप विद्रोही हो गए? ऐसा नहीं होता। हकीकत है तो स्वाभाविक तौर पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन अब बदले की भावना से अगर कोई साफ साफ अगर दिखने लगेगा तो यह उचित नहीं है। आज मेरी बारी कल तेरी बारी, सत्ता किसी की होती नहीं, जागीर नहीं होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आ सत्ता आते और जाते रहते हैं। मैंने शुरू में कहा आपसे कि अगर आप ये लकीर खींचेंगे कि बदले की कार्रवाई तानाशाही रूप से करेंगे, तो कोई भी आपको आने वाला कल इसको अगर मान लेगा, मानक मान के काम करेगा, तो लोकतंत्र कहीं रहेगा क्या? अपराध और अपराधी दोनों के खिलाफ हम हैं। अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, अनंत सिंह का दावा क्या सच है कि हाँ सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, AK-47 मिला तो वो भी सरकार का ही एक सारा साजिश है ये? देखिए, दो बातें इसमें है। AK-47 अगर सही मिला है तो कार्रवाई का विषय बनता है, पर वो कह रहे हैं कि हम 14 वर्षों से उस घर में नहीं गए, फिर AK-47 मिला, तो भाई ये तो विषय है ना। हमने शुरू से कहा कि जो भी व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, चाहे वो किसी दल में है, कहीं भी है, तो समाज के लिए ठीक नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपराधी मेरे यहाँ हैं तो संत रैदास हो गए, और जो चले गए वो कुख्यात हो गए, ऐसा नहीं होता। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर भी कह रहे हैं कि नीतीश जी अनंत जी को परेशान मत कीजिए। अब सीपी ठाकुर जी की बातों को कितना तवज्जो देती है सरकार आपको मालूम नहीं है? वो बेवजह सनाए बजते उनका कोई बेचारे का बोल देते हैं बुजुर्ग आदमी, कोई उनका नोटिस लेता है जी? कोई नोटिस लेता है? भारतीय जनता पार्टी में 3-4 नेता जो बोलते हैं, सीपी ठाकुर जी बोल गए, राज्यसभा सांसद आरके सिंह बोल जाते हैं, अब किनका किनका नाम लें? कॉलेज वाले, मेडिकल कॉलेज वाले बोल जाते हैं, कोई लेता है नोटिस लेता है क्या? वहाँ 3-4 चेहरे हैं जो पिछलग्गू चेहरे हैं, जो नतमस्तक होकर के सरकार के साथ चलते हैं, उनकी राय चलती है। मतलब वो जो कह रहे हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि देखिए, सीपी ठाकुर जी पुराने लोग हैं, कभी कभी सच भी बोल जाते हैं गलती से, उनको खमेजा भी भुगतना पड़ता है। तो सीपी ठाकुर जी की बातों को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव। उनका कहना है कि जो अनंत सिंह पे लगातार ये सारे प्रकरण चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की भी मिली भगत है इसमें, और ये कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, तो ये स्पष्ट तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि क्या कुछ इसका पूरा एक अंदरूनी बातें हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ थे तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती थी, जब वो अलग हो गए तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।